हिंदी फिल्म मॉम में काम कर चुके पाकिस्तानी एक्टर अदनान सिद्दीकी महिलाओं पर दिए गए एक बयान को लेकर विवादों में फंस गए हैं। जी हाँ, उन्होंने महिलाओं की तुलना मक्खी से कर दी है, जिसके बाद उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अब उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है और उसके बाद उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। पाकिस्तान के मशहूर एक्टर अदनान सिद्दीकी अपने एक बयान की वजह से विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने एक टीवी शो के दौरान महिलाओं की मक्खी से तुलना की थी। मामला बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी सफाई दी है और खेद भी जताया है। उन्होंने कहा कि वो बयान मजाक में दिया गया था, न कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। एक प्राइवेट न्यूज़ मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अदनान सिद्दीकी मेहमान के तौर पर शामिल हुए थे। इस दौरान शो में जब वो बातें कर रहे थे, तभी उनके हाथ पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है। इस पर वो कहते हैं कि मैं एक बात कह रहा हूँ, जितनी भी महिलाएं हैं बुरा मत मानिएगा, मक्खी और ख्वातिन यानी कि महिलाएँ की मिसाल एक जैसी है। जितना आप महिला के पीछे भागेंगे उतना दूर भागेगी आपसे, और आप जब ऐसे बैठ जाएंगे ना तो ऐसे हाथ पर आकर बैठ जाएगी जैसे मक्खी बैठ गई है। ये बयान लाइव शो के दौरान दिया गया था। मामले को भांपते हुए नीदा यासर ने हंसते हुए कहा था कि मुझे इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग शो पर नहीं चाहिए। इसके बाद वो बात को बदल देती हैं और शो आगे बढ़ जाता है। शो भले ही आगे बढ़ जाता है, लेकिन अदनान सिद्दीकी के बयान वाला वो हिस्सा इंटरनेट पर वायरल हो जाता है और कई लोग उनके बयान की आलोचना करने लगते हैं। अब आलोचना शुरू होने के बाद अदनान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर सफाई पेश करते हुए लिखा कि मैं अपने हालिया बयान पर कहना चाहता हूँ कि वो मजाक में कहा गया था, न कि ठेस पहुँचवाने के लिए। स्लिपरी एस ए स्नेक का इस्तेमाल हमारी भाषा में होता आ रहा है। फिलहाल अदनान सिद्दीकी ने चाहे ये मेटाफर्स के तौर पर कहा हो या एक सटीक स्टेटमेंट, अब वो ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।